भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारे शास्त्र में बोला है कि भगवान दो तरह से कृपा करते हैं, अंदर से और बाहर से। अंदर से भगवान चैत्य गुरु के रूप में कृपा करते हैं और बाहर जो है वो एक अपने शुद्ध भक्त के रूप में ही भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और एक गुरु के रूप में भगवान, शिक्षा गुरु के रूप में भगवान दया करते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जीवे साक्षात ना ही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांत स्वरूपे। कि जो लोग अपने हृदय में परमात्मा के जो परमात्मा की स्थिति है, परमात्मा विराजमान है, जो लोग उनको नहीं देख पाते, ऐसे संता सदैव हृदय शुभ लोग के अंति, जो अपने हृदय में सदैव उनका दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों दर्शन नहीं कर पा रहे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोच रहना, क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम का सुरमा नहीं लगा हुआ। तो ऐसे लोग जो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे अपने हृदय में, ऐसे व्यक्तियों को पर दया करने के लिए भगवान स्वयं जो है गुरु के रूप में, स्वयं ही भगवान शिक्षा गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। साक्षात धरी त्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु है वो साक्षात हरि के समान ही उनको मानना चाहिए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। तो गुरु अंदर से भी दया करते हैं चैत्य गुरु के रूप में, और इसका हमारे पास प्रमाण है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम च, कि मैं ही हर जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान भी आ रहा है और भूलने की शक्ति भी आ रही है और स्मृति भी आ रही है। और भगवान भगवद्गीता 10:11 में भी कह रहे हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, कि उन पर विशेष दया करने के लिए, जीवों पर विशेष दया करने के लिए उनके हृदय में बैठ के मैं ही जो ज्ञान का दीपक जला के उनका जो अज्ञान का अंधकार है उसका नाश करता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना चाहते थे तो सृष्टि करने की उनके पास पावर नॉलेज नहीं थी, और उन्होंने जब भगवान पर ध्यान किया और भगवान ने उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को जब दिव्य ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी जो है भगवान के साक्षात दर्शन भी कर पाए, और भगवान के दर्शन करके, भगवान के धाम के ब्रह्मा जी ने दर्शन करके उन्होंने ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ उन्होंने रच दिया और भगवान की स्तुतियाँ की, और उस ग्रंथ में भगवान के बारे में और भगवत धाम के बारे में कई महत्वपूर्ण उन्होंने जानकारी दी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप सेवा में जुड़ोगे, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं आपको बुद्धि दूंगा, मैं आपको वो रिक्वेसिट नॉलेज दूंगा, वो ज्ञान दूंगा, जिससे कि ये न माम उपयांति थे, जिससे कि आप मेरे पास आ जाओ। लेकिन इसके लिए हमें योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, हमें अपनी आँखों में प्रेम का सुरमा लगाना पड़ेगा जो कि सेवा के माध्यम से ही मिलता है। और सेवा के माध्यम से कैसे मिलेगा? सेवा के माध्यम से मिलेगा जब हम अंदर नहीं देख पा रहे, जब तक हमारे में ताकत नहीं है, तो बाहर भगवान जो है शिक्षा गुरु के रूप में भगवान मौजूद हो जाते हैं। तो उन शिक्षा गुरु के रूप में, जो बाद में आमतौर पर वही शिक्षा गुरु दीक्षा के रूप में भी काम करते हैं, तो वो जो शिक्षा गुरु हैं उनको भगवान से अभिन्न मानकर देखना, इसी से जो है कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए नारद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि महत अनुग्रह जो 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 भगवान के जो सेवक हैं, जो गुरु हैं, उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। उनकी कृपा से ही जो है जो भक्त है, जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने का बेसिकली अधिकारी बन जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, शिक्षा गुरु के ता जाने कृष्ण स्वरूप, जो शिक्षा गुरु है उसको तो कृष्ण का स्वरूप ही मानना चाहिए। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ऐ दो ही रूप, ऐसे हमने बताया कि भगवान दो रूपों से
जीव को मार्गदर्शन देते हैं अंतर्यामी चैत्य गुरु के रूप में और बाहर शिक्षा गुरु के रूप में। और जब हम शिक्षा गुरु की बात कर ही रहे हैं तो हमें ये हमेशा इस बात को हर भक्त को जानना चाहिए कि जो श्रीला प्रभुपाद हैं, श्रीला प्रभुपाद सभी भक्तों के शिक्षा गुरु हैं। श्रीला प्रभुपाद सभी के शिक्षा गुरु थे, श्रीला प्रभुपाद ही सभी के शिक्षा गुरु हैं और श्रीला प्रभुपाद ही सभी के शिक्षा गुरु रहेंगे। और श्रीला प्रभुपाद और जो लोग श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुरूप जो लोग आगे प्रचार कर रहे हैं, आगे लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं, वो लोग भी शिक्षा गुरु के रूप में उनको हम स्वीकार कर सकते हैं। और हमें श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए ताकि हमें ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमें ये विवेक प्राप्त हो जाए, ये शक्ति प्राप्त हो जाए कि हम ये देख पाएँ कि प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जो लोग शिक्षा पर नहीं चल रहे होते उनको लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि शिक्षाओं पर चल रहे हैं, और जो लोग चल रहे होते हैं उनके बारे में कई बार भ्रांति हो जाती है कि ये तो प्रभुपाद की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे। तो ये भ्रांति कैसे दूर होगी? ये भ्रांति दूर होगी प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ के, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के, प्रभुपाद से प्रे करके, उससे ये भ्रांतियाँ दूर होती हैं। हम सोचे कि हम अपनी ताकत पर ही, अपने बल पर हम उसको समझ लेंगे, वेल ऐसे बात नहीं बनती। जो शिक्षा गुरु है वो विशेष रूप से भगवान द्वारा शक्ति से आवेशित होता है। भगवान उसके हृदय में भी, गुरु के हृदय में भी भगवान बैठे होते हैं। और विशेष बात है कि भगवान स्वयं ही गुरु का रूप बना लेते हैं। पृथु महाराज जब चार कुमारों से मिले थे तो पृथु जो महाराज पृथु हैं वो प्रार्थना बोल रहे थे कि व्यक्तम आत्मताम आत्मा भगवान आत्म भावना स्वानाम अनुग्रह अनुग्रह या ये माम सिद्ध रूपी चरति अजा। और उन्होंने बोला था महाराज पृथु ने चार कुमारों को कि भगवान हमेशा, जो परम भगवान है, हमेशा जीवों पर कल्याण करने के लिए चिंतित रहते हैं। उनके हृदय में हमेशा चिंता रहती है कि कैसे जीवों का कल्याण होगा। क्यों चिंता रहती है? क्योंकि जो जीव है भगवान के अंश है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। और पृथ्वी महाराज कह रहे हैं चार कुमारों को कि जीवों पर कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं ही एक मुक्त जीव गुरु के रूप में भगवान पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि महाराज पृथ्वी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो चार कुमार हैं वास्तव में भगवान का प्रतिरूप है। ऐसा सोचकर, इस भावना से जब जीव है, जब वो भगवान की सेवा करता है तो, और भगवान की और गुरु की सेवा करता है तो वो वास्तविक उसको कल्याण, उसका कल्याण का अधिकारी बनता है। उस कल्याण रूपी संपत्ति, वो धन उसको प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एक भक्त है, एक भक्त की जो स्थिति होती है वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होती है, और वो पूरे संसार में भगवान के जो महिमा का प्रचार करके वो उसी से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और जो भक्त है वो क्योंकि पूरे संसार में भगवान की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए जो भक्त है वो वास्तव में भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, और वो पूरे संसार में नारायण के रूप में ही वो पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं और वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर जब विदुर जी से मिले थे महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद, तो उन्होंने भी बोला था कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गताभृता, कि आप ही स्वयं मूर्तिमान तीर्थ हो क्योंकि आपके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान है।